الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم जनाब स्पीकर अवामी असम्बली के मुआज़्ज़ज़ अराकीन मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों और भाइयों मुझे याद है कई साल कबल हम इसी मकाम पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज उसी मकाम पर जब आपकी तादाद को देखता हूँ वो भी उस मिलियन मार्क से बहुत ज्यादा, जब मैं आपके जोश और जज्बे को देखता हूं तो भी उस जज्बे और वलवले से ज्यादा, और आपने एक बार फिर पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिकों को ये पैगाम दे दिया है कि हम इस मुल्क के लिए आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रहे। हमने एक बार फिर उनको वाज़ह पैगाम दे दिया है कि आपकी धांधलियों की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये हुकूमतें, ये असम्बलियां एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा तो हो सकती है लेकिन इसे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहना मेरे नजदीक पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। हम अपनी कौम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम अपनी कौम और इस मुल्क के अवाम के इज्जत नफ्स का मुकदमा लेकर मैदान में आए हैं। आज हम अपने अवाम के वोट के हक का मुकदमा लेकर मैदान में आए हैं और मुझे एक दो दिन कबल अफवाज पाकिस्तान के एक तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गालिबन 3 घंटों पर मुहित थी, और कुछ पता नहीं चला कि 3 घंटे में उसने कहा क्या। इतनी फसाहत और बलागत के साथ बात कर रहा था। वो बज़ाहिर तो तासर दे रहा था कि वो ये बातें किसी और के खिलाफ कर रहा है, लेकिन जो भी बात करता था कोशिश करता था कि वो मेरी बातों का जवाब दे।
मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। मैं यूं ही दस्त तो गरेबान नहीं जमाने से, हमें क्या पड़ी है 10 लाख लोगों को इस मैदान में लाना, सफर करके यहां आना, सफर और मौसम की तकलीफ बर्दाश्त करना। फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं, मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आईन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रूह से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है। ये रोला तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हां मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आर्टिकल, आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा, मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, आईएसआई के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुक्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाजम है। हां वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वही खड़े हो जाओ, मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊं। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा। मुझे आपके बारे में, आपकी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के कयाम में तुम्हारा कोई रोल नहीं, पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है, और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए, तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी।
तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुस्वाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं, और तुम अगर वर्दी पहनकर मुझ पर कोई रोब डालने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम सारे मिलकर भी मेरे जिस्म पर रूह तक नहीं रेंगे। मामलात को ठीक करो। हम इसलिए आए हैं कि आपको बताएं कि मामलात को ठीक करो, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, अपने पोजीशन पर वापस चले जाओ। और मैं ये भी आज आपकी ताईद से कहना चाहता हूं, आपकी ताईद से कहना चाहता हूं कि आपको कबायली इलाकों से निकलना होगा। ऑपरेशनों के नाम पर हमें अपनी खैरख्वाहियां मत दिखाओ। तुमने 2010 से ऑपरेशन शुरू किया, आज 2024 है, 14-15 साल हो गए हमें अमन देने के नाम पर कबायल को तबाह बर्बाद कर दिया, कबायलों की इज्जतों को तबाह बर्बाद कर दिया, कबायल के शमले तुमने गिरा दिए, कबायल की पगड़ियां तुमने उछाल दी। ये तो जमीयत उलमाए इस्लाम थी जिसने कबायल का जरगा बनाकर, कबायल का नुमाइंदा बनकर अपना मौकफ दिया था। और हमारा गुनाह यही था कि आपने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 के बाद, आपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन का फैसला किया और मैंने कहा कि यह हिकमत अमली ठीक नहीं है, मेरा यही गुनाह था। और अगर मेरी राय गलत थी तो फिर आज तक दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई, फिर आज तक दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं? तुमने अफगानिस्तान की सरहद पे बाड़ लगाया, खुद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि अब हमने बाड़ लगा दिया है, कोई शख्स उधर जा सकेगा ना इधर आ सकेगा। तो 40,000 लोग उधर गए, 20 साल वहां लड़े और फिर तुम्हारे बाड़ को उड़ा के वापस आ गए। आज फिर मेरी जिंदगी क्यों खतरे में है अगर आप मेरे वाकई मुहाफिज हैं? तो अगर आप मेरे मुहाफिज हैं तो आज फिर क्यों मैं उस मुश्किल से गुजर रहा हूं? आज मेरे रास्ते फिर गैर महफूज क्यों हैं? आज मेरे गलियां क्यों गैर महफूज हैं? आज मेरे मुल्क के शहरी क्यों गैर महफूज हैं? तो इसका माना यह है कि हमने आपके ऑपरेशन के हवाले से जो उस वक्त तहफ्फुज़ात दिए थे वो ठीक थे, और आपने जो हमें अमन अमान का इत्मीनान दिलाया था तुम अपने दावों में गलत साबित हुए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो आपने फाटा इंजमाम का फैसला किया। मैंने हर फोरम पर दलायल दिए, मैंने पार्लियामेंट में दलायल दिए, मैंने तुम्हारे साथ मखसूस मीटिंगों में दलायल दिए कि तुम इंजमाम का फैसला करना गलत कर रहे हो, ये इस वक्त सही नहीं है, आपको मुश्किलात पेश होंगी, अफगानिस्तान के साथ मामलात बनेंगे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। और हमारा गुनाह यही था कि हमने एक ऐसी बात आपसे कही जिसको आपने हमारे साथ मीटिंगों में तस्लीम किया, और फिर जब आप मान गए मेरे साथ 4 पॉइंट्स पर इत्तेफाक कर लिया तुम लोगों ने, तो फिर क्यों मेरे पास पाकिस्तान के अंदर ड्यूटी देने वाला एक अमरीकी अफसर मेरे घर खुद क्यों आया? फिर वो मुझे क्यों पूछता है कि आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? फिर वो मुझे क्यों कहता है कि आपको इंतजाम करना पड़ेगा?
ये फैसला आपका मानूं या तुम्हारे अकाउंट का मानूं। मेरा गुनाह ये था कि मैंने फैसले से इख्तलाफ राय किया था और मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आज जाओ आप खैबर पश्तूनख्वा के लोग बेहतर तौर पर फाटा के हालात का जायजा ले सकते हैं। आप बताएं कि फाटा की सूरत हाल अब क्या है। न वो फाटा है तो बात मुझे बात करने दो यार, मुझे बात करने दो। नहीं सुन, मैं बात करना चाहता हूं कि आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फाटा के आवाम कहां खड़े हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे। तुमने कहा था कि हम 10 साल में 1000 अरब रुपया उनको देंगे और हर साल 100 अरब उनको देंगे, उनको तरक्की देने के लिए, उनको सेटल के लोगों के बराबर लाने के लिए। आज 8 साल गुजर गए हैं उसके और आज तक तुम 100 अरब भी पूरे नहीं कर सके हो उनको, चाहे कि आप 900 अरब मजीद उनको देंगे। क्यों धोखा किया आपने, क्यों बाहर का इशारा कबूल किया अपने मुल्क के अंदर, क्यों अपनी खुद मुख्तारी को बेचा। मेरी राय पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए थी, कबायल के अवाम के लिए थी और मैंने आपसे यह भी कहा था कि कबायल से पूछ लो, अगर वो चाहते हैं इंतजाम करना तो रेफरेंडम करा दो, अगर कबायल की ख्वाहिश है मुझे कोई इतराज नहीं होगा। आज आपके इस तारीखी इज्तिमा के सामने फिर मैं एक दफा कहता हूं कि अगर उस वक्त रेफरेंडम नहीं था अब तो उन्होंने मजा चख लिया होगा, अब तो 8 साल के बाद वो मुतमैन होंगे। आज रेफरेंडम करा दो, कबायली अवाम अपनी पोजीशन पर वापस जाना चाहते हैं या तुम्हारे इंतजाम को कबूल करते हैं। आज चैलेंज करता हूं तुम्हें, कौन से पूछो। मुझे याद है बाज उन लोगों के वो अल्फाज, मुझे जबान पर लाने में शर्म आती है जब इन्हीं लोगों ने कहा, छोड़िए मौलाना कबायल भी कोई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछने की जरूरत होती है। मैं अपने आवाम के बारे में तुम्हारी राय जानता हूं, तो अब आप बताएं कि क्या हमारी राय गलत थी। हमें पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए थे, किसके इशारे पर तुमने मेगा प्रोजेक्ट्स रुकवाए। मैंने आपसे यह कहा था कि रेकोडेक जो बलोचों की मिल्कियत है उस पर कानून साजी जायज नहीं, कि आप 18वीं तरमीम की मुखालफत करके आप रेकोडेक को बैनुल अक़वामी कंपनियों के हवाले करें, उसके मफादात को आप बेचें और बलोच लोगों को और बलोचिस्तान के लोगों को आप महरूम करें। मैंने तो यही जुर्म किया था कि अपने कौम के पश्तूनों और बलोचों के हक की बात की थी और तुमने फैसला कर लिया कि ये शख्स हर मरहले पर हमारे फैसलों में रुकावट बनता है। मेरे फैसले भी तारीख पे लिखे जा रहे हैं, मेरी राय भी तारीख के औराक पे रकम हो रही है, तुम्हारे फैसले भी तारीख के औराक पे हो रहे हैं। तारीख फैसला करेगी कि तुमने कौम से गद्दारी की थी, तुमने कौम को बेचा था, उसके मफाद को बेचा था, और तारीख लिखेगी कि इस शख्स ने अपने कौम और अपने बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए आवाज उठाई। हम बिलावजह नहीं लड़ा करते, हमें किसी से लड़ने का शौक नहीं है और आप जानते हैं हम तकरीरों में गालियां नहीं दिया करते, हम तकरीरों में किसी का मजाक नहीं उड़ाते,
लेकिन हम अपना नुक्ते नज़र वजाहत से पेश करते हैं, हम अपना नुक्ते नज़र पेश करें तब भी तुम नाराज, वो आपकी मर्जी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने वाज़े है, पूरी दुनिया के सामने वाज़े है कि फलस्तीनी अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और 7 अक्टूबर 2023 से जिस जंग का आगाज हुआ था, आज इसराइली फिलिस्तीनी मुजाहिदीन का मुकाबला करने के बजाय वहां की आबादियों पर बमबारी कर रहे हैं। गजा पे बमबारी हो रही है, खान यूनुस पे बमबारी हो रही है, शहरी आबादियों पर बमबारी हो रही है, शहर तहस नहस कर दिए गए हैं, खंडरात बन गए हैं, वो लोग कैंपों में चले गए, 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, अक्सरियत उनमें छोटे बच्चों की है, अक्सरियत उनमें खवातीन की है, बेगुनाह फिलिस्तीनियों की है। तुमने 40,000 से ज्यादा उन लोगों को जो जंग का हिस्सा नहीं थे शहीद किया, वो कैंपों में चले गए, तुमने उनके कैंपों पर बमबारी की और इस वक्त अमरीका उनको सपोर्ट कर रहा है, बरतानिया उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे हुक्मरानों में जरूरत नहीं कि वो फलस्तीन पर एक वाज़ेह और दो टोक बयान दे सके, और सिर्फ ये नहीं, इलेक्शन से पहले मैं हमास के साथ यकजहती के लिए कतर चला गया। दुनिया ने देखा कि हमने, अगर अमरीकी वजीर खारजा तलबीब आता है और तलबीब में वो तकरीर करता है और कहता है कि मैं अमेरिका के वजीर खारजा की हैसियत से नहीं आया, मैं एक यहूदी की हैसियत से तुम्हारे पास आया हूं, एक यहूदी के तौर पर तुमसे यकजहती करने के लिए आया हूं, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी कतर जाकर फिलिस्तीनी क़यादत को ये कहूं, हमास की क़यादत को ये कहूं कि फजल रहमान एक पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान मुजाहिद के तौर पर आपसे यकजहती के लिए आया है। मैंने कोई चोरी छुपे नहीं है मुलाकात की, मैं बरमला गया हूं, लेकिन फिर बताओ इलेक्शन के वक्त तुम पर दबाव आया या नहीं, तुम्हें अमरीकियों ने कहा या नहीं कि ये तो फिलिस्तीनी और हमास की हिमायत करता है, आइंदा असेंबलियों में हम उनको नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो सच बोलो कौम के सामने, तुम बाहर के दबाव पर एक मुसलमान भाई के हक में उठने वाले आवाज को दफन करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, गुलामाना जहन फिर सोचता नहीं है कि मुझसे क्या करवाया जा रहा है। आज कहते हो 9 मई और 9 मई को जो हुआ था वो गद्दारी है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ओ खुदा के बंदे, तुम्हारी धांधली के नतीजे में जो मैंडेट सामने आया, अब दो रास्ते हैं आपके लिए, या कह दो कि हमने धांधली की है जिस तरह के हमारा दावा है आपके ऊपर, कह दो कि हमने धांधली की है, और अगर तुमने धांधली नहीं की तो फिर अवाम ने आपके 9 मई के बयानिए को दफन कर दिया, उसे मुस्तरद कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा मौकफ हर वक्त सही और वाज़ेह रहा है, हमने दो टोक बात की है। मैं आज भी पाकिस्तान नहीं, इस्लामी दुनिया पर फिलिस्तीनियों का कर्ज समझता हूं
कि इस वक्त तक वो एहतियात से जुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, डटकर उनके शाना बशाना क्यों खड़े नहीं हो रहे। हम यूं कर देंगे और हम यूं कर देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, इधर उधर की बातें, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। और पेशावर का ये मैदान जो कई किलोमीटर तक आपने भर दिया है, अगर वो ये समझते हैं कि अवाम होते क्या हैं, अवाम होते क्या हैं, तुम्हें भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं, जैसे चाहे वो हमें हांकें, तो यह अभी तक मुल्क मरा नहीं है, अभी तक जमीयत उलमा जिंदा है, अभी तक फजल रहमान जिंदा है। वो निकलेगा और कौम को बताएगा कि आप ही हैं, आप जिंदा कौम हैं, आप मुजाहिद कौम हैं, आप मैदान में हैं, आपकी असेंबली आपकी नुमाइंदा नहीं है, ये स्टेज और इस स्टेज पर बैठी हुई क़यादत यही आपकी नुमाइंदा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, किस किस का रोना रोएं, किस किस का रोना रोएं, हमारी अदालतें भी जहां हम इंसाफ की उम्मीद से उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, न हाजिर हों तब भी हम गुनाहगार, और हम हाजिर होते हैं तब भी 50 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट मुझे कहती है कि वो 50 साल पहले जिस सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी थी वो गलत थी। जब आप अपने उस फैसले को जिसमें आप मुल्क के एक वजीर आजम को लटका देते हैं और 50 साल के बाद कहते हैं कि हमसे तो गलती हुई थी। मैं खत्म नबूवत के हवाले से मुकदमा इस अदालत के हवाले कर दूं कि जिसके फैसले ने मुझे वाज़े इशारात दे दिए हैं कि आप अदालती सतह पर कादियानियों को तहफ्फुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी अदालतें फैसला पहले कर दिया और इल्मी लिहाज से जाहिलाना फैसला किया कि हर एक को अपने मजहब की तबलीग करना जायज है। बाबा उसके लिए भी कोई कानून है, कोई तरीक़ाकार है उसका। तुम कुरान की तिलावत शायद कर सकते हो, तो तुमने कोई आयत पढ़ ली होगी, ये पता नहीं कि उस आयत का मतलब क्या है, और फैसले में लिख दिया। तो याद रखो, अगर तुम खत्म नबूवत के इस अजीम शान तरमीम को जिसे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका पास किया, उस तहरीक को जो 1974 में चली, उस तहरीक को जो 1953 में चली, लाहौर की गलियों में 10,000 मुसलमानों ने शहादतें दी, क्या उस तहरीक को हम यूं ही भूल जाएं और एक जज साहब जो चाहे फैसला दे दें? लिहाजा ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, और हमने ऐलान कर दिया है। मैं आज उस ऐलान को फिर दोहरा रहा हूं कि 7 सितंबर 1974 को पार्लियामेंट ने फैसला दिया था, और इस साल 7 सितंबर 2024 को उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। इन 50 सालों के पूरे होने पर इंशाअल्लाह हम और आप
सब मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इसकी गोल्डन जुबली बनाएंगे। और ये भी बता देना चाहता हूं कि जो काफिला पशीन से रवाना हुआ था, फिर कराची पहुंचा और वो काफिला आज यहां पेशावर में पड़ाव डाले हुए है। ये अजीमुशान लाखों इंसानों का इज्तिमा जो इस पूरे सूबे के आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, इंशाल्लाह यकम जून को ये तहरीक, ये काफिला आगे बढ़ेगा और मुजफ्फरगढ़ में जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा मिलियन मार और बहुत बड़ी अवामी असेंबली मुलाकात करेगा। हम कोई मफाद लेकर घरों से नहीं निकले कि आप हमें पेशकशें करते रहें और कोई अच्छी सी पेशकश आई और हमने कबूल कर ली। हमने पूरा मैंडेट आपको बता दिया है, हम पब्लिक के मैंडेट के साथ बात कर रहे हैं, हम आईन की जुबान में बात कर रहे हैं। तुम आईन को कबूल कर लो, आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आईन के मुताबिक जनरल रहो, आईन के मुताबिक फौजी रहो, मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करने वाला हूं। अगर मैं फौजी नहीं बन सकता, अगर मैं फौज की वर्दी नहीं पहन सकता और मेरे लिए जायज नहीं है, मेरा आईन और कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, आप कौन होते हैं कि मेरा लिबास पहनकर सियासी मैदान में आकर सियासी किरदार अदा करो। नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। ये है सारी उस सूरत हाल जो हमने अपनाई है। तो याद रखो, ये इज्तिमा, ये अवामी असेंबली इत्तिफाक राय के साथ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतायज को मुस्तरद करती है। मुस्तरद, आपका वोट कोई इख्तलाफ तो नहीं कर रहा है? नामंजूर, नामंजूर। 8 फरवरी के इंतखाबात नामंजूर, खड़े होकर कहें नामंजूर, 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 जाली असेंबली नामंजूर, 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 और इंतखाबात में मुदाखलत नामंजूर, 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 नामंजूर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात दलायल के साथ होगी, दोस्त दोस्त धमकी नहीं चलेगी। अगर आपका ये ख्याल है कि एक रोबदार किस्म का धमकियों भरा बयान देकर आप हमें खामोश कर लेंगे, हम आपको खामोश करने आए हैं, खुद बोलने के लिए निकले हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 लब्बैक। आगे मीडिया वाले भाई इस तरह से बोल रहे, जमादा सुमर खबर जिता सो आवरे दले दावे हो पो उर्दू के लेकिन वेद पख्तो पो लहजा के। औस्ता सो तरफ ना जदोई तो दा खबर कौम छ जमा दा खबर छपो उर्दू के वे दादा पख्तो पो जामा के उगो रहे। दा सर चिप जिसम मान बरा खकारी दा इज्जत वाड़ी इज्जत
او چپ عزت نہیں بے لرے کا پجی سم بوجھ دا کائے تیری جرت کو کائے تیری جرت کو کائے تیری جرت کو کائے تیری شجاعت کو کائے تیری شجاعت کو تو یاد رکھو دھاندلی کی اسمبلیاں ہمیں قبول نہیں ہیں, ہمیں سندھ میں بھی قبول نہیں, ہمیں بلوچستان میں بھی قبول نہیں, ہمیں پنجاب میں بھی قبول نہیں, ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی قبول نہیں. جعلی اسمبلی, جعلی اسمبلی, جعلی اسمبلی. اور یہ عوامی تحریک آگے بڑھے گی, یہ صرف جلسوں تک اب محدود نہیں رہے گی. میرے ساتھیوں میں آپ کی قوت سے باتیں کر رہا ہوں. اوپر اللہ کی قوت ہے, زمین پر آپ خدا کی قوت بنیں, اور اپنی قوت کی بنیاد پر مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر حالات سخت ہو جاتے ہیں, جیل تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر خون ہمارا, قائد تیرا ایک اشارہ, قائد تیرا ایک اشارہ, قائد تیرا ایک اشارہ. اگر حالات آگے بڑھتے ہیں اور معاملہ جیلوں تک جاتا ہے تو جائیں گے یا نہیں؟ جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, تمام کھڑے ہو جاؤ, ہاتھوں میں ہاتھ دے دے, کھڑے ہو جائے, قید کے ساتھ یا جیدی کا اظہار کرے. اور پختوں کے اور تو آئے چڈک مد جیلوں کو استا حکومت نہ منو, نہ موجودہ حکومت, موجودہ اسمبلی, جعلی اسمبلی, جعلی اسمبلی, جعلی اسٹیبلشمنٹ, اقوام انٹرنیشنل جعلی اسٹیبلشمنٹ. تو میرے محترم دوستو, یہ وہ پیغام ہے جو ہم ان اجتماعات کے ذریعے اپنے مقتدرہ کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں, اپنی بیوروکریسی کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں غلام بن کر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. لبیک 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 لبیک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, انہی جذبوں کے ساتھ سلامت رکھے, اس خودداری کے ساتھ اور خود مختاری کے جذبات کے ساتھ. ہم ایک آزاد قوم ہیں اور پوری آزادی کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا, ہمیں ماں باپ نے تمہاری غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا. میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, وہی پیغام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا, متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جلا تھا. یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ تھے, ہم انہی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.